हेलो गाइज, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? वो बच्चे ही हो गया। तो दोस्तों, आज प्लान बन रहा है गांव विजिट करने का, तो मैं अभी रेडी हो जाता हूँ। हमें 9:30 बजे तक निकल जाना है, तो रेडी होकर मैं फिर आपसे बात करता हूँ। हेलो गाइज, तो हम लोग आ चुके हैं गांव में। तो एक्चुअली जो फ़ोन का बैटरी है वो 20% पर चल गया था, तो मैं रिक्स नहीं लिया वीडियो बनाने, क्योंकि अगर वो लो हो जाता तो कॉल वॉल करने में फिर झंझट हो जाती। ये आप जो पीछे देख रहे हैं, ये इरिगेशन के लिए काम आता है, माने खेतों में पानी पटाने के लिए। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ और भी चीज़। और ये रहा छोटे आर्यन। हाय बोल छोटे। हाय। एक मिनट में दिखाता हूँ खेत। तो गाइस, ये सारे खेत हैं, दूर दूर तक पूरा, मतलब कि आप जब भी गांव में जाओगे तो आपको वातावरण जो रहता है वो एकदम बिल्कुल शुद्ध मिलेगा। प्लस यहाँ पे जो भी मतलब ऑक्सीजन लेवल है वो परफेक्ट रहता है। प्लस देख सकते हो कितना अच्छा। गांव में आ जाने के बाद अपना ही एक अलग मज़ा होता है, तो वो अभी मैं इंजॉय करूँगा। तो बाय द वे, अभी बैटरी भी उतनी चार्ज नहीं हुई, 30% पे है, बट यहाँ चार्जिंग का ऑप्शन है, मैं यहाँ चार्ज कर सकता हूँ। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि लाइट का प्रॉब्लम रहता है ना छोटे, लाइट का प्रॉब्लम रहता है ना, तो फिर चार्जिंग वो दिक्कत हो सकता है। तो जैसा जैसा होगा मैं वैसा वैसा शूट करके दिखा दूंगा आप लोग को, बट अभी के लिए इतना ही। अरे वाह हीरो वाह। अरे 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 हिला दिया। वीडियो से मैं छेद कर देबे का? हिला दिया। और फिर आप भी आ गए मैं मारो। धूम फोर। मारो। बोल रहा है किसमें धक्का मारेगा, इसमें। देखते चल आ जाओ। धूम फोर। आज भाग। हाँ गाइस, तो अभी हम लोग आ चुके हैं अपने घर। एक्चुअली जब गांव से हम निकले तो इतना ज़्यादा बारिश होने स्टार्ट हो गया कि मैंने ब्लॉग नहीं कर पाया, मतलब वहाँ जो भी मतलब ब्लॉग बनाना था वो नहीं बन पाया, तो उसके लिए सॉरी। बट जब हम रास्ते में आ रहे थे तो एक ब्रिज आता है जिसके ऊपर से ट्रेन गुजरती है, नीचे से रोड है जिससे गाड़ी बाइक जो भी है मतलब ट्रक व्रक सब निकलता है। उसके अंदर पूरा पानी से मतलब भर चुका था, तो जिस बाइक से गए थे हम लोग उसका नाम था पल्सर, उसके मतलब चक्के के हाफ से भी ऊपर पानी मतलब वहाँ पुल के अंदर भर गया था। सोच लो कितना पानी मतलब कि होगा। और उसके बाद फिर बस अभी हम घर पे आ गए हैं, तो मम्मी ऐसे पकौड़ी बना रही है, तो पकौड़ी रोटी हम खाएंगे। पकौड़ी बन गया मम्मी? प्याजू। यही रहे खाना, प्याजू रोटी। चाय बनेगा ना बरसात में? प्याजू रोटी चाय, ठीक है निकालो खाएंगे। खा ले दादी प्याजू रोटी। तो गाइस, हमारा खाना आ चुका है, जो मतलब पकौड़ी रोटी आज बना है और चाय मम्मी बना रही है। कुछ देर में चाय भी मिल जाएगा, मतलब बरसात में पकौड़ी और चाय नेक्स्ट लेवल। हाँ तो गाइस, मतलब अब हमने खाना वाना भी खा लिया है, तो रात भी हो चुका है। तो एक्चुअली मैं पढ़ाई नहीं हो पाया है, तो मैं भी कुछ पढ़ने कोशिश करता हूँ, तो मैं यहीं पे ब्लॉग को एंड करता हूँ। तो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना। कॉपी एंड बुक्स पर इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।